Hello guys, welcome back to our channel. This side Winkle. Hope you are doing well and you are watching Explorers very well. So guys, welcome back to another YouTube video. So पहले तो आज हम बहुत एक important topic पर बात करने जा रहे हैं. वैसे आपने thumbnail पढ़ ही लिया होगा और जो नीचे मैंने caption डाली है वो भी आपने देख ही ली होगी. But फिर भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो बच्चे खासकर यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न क्वींसलैंड टोवुम्बा कैंपस में या स्प्रिंगफील्ड कैंपस में या इप्सविच कैंपस में पढ़ने आ रहे हैं कोई भी कोर्स में, तो सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अगर ब्रिस्बेन में रह रहे हैं तो वहाँ वो पहुँचें कैसे, हम उस लोकेशन पर पहुँच कैसे सकते हैं, चाहे इप्सविच जाना हो, चाहे टोवुम्बा जाना हो, चाहे आपने स्प्रिंगफील्ड कैंपस में जाना हो, तो आप कैसे जा सकते हैं. तो हम आज उस टॉपिक पे बात करेंगे. तो होप आपको वीडियो अच्छी लगे और थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगे. और अगर गाइस आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, बिकॉज उसका आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है. बिकॉज हम बहुत सारी नई नॉलेजेबल वीडियोज़ लेके आने वाले हैं. वो इसलिए क्योंकि मेरे अब नया सेमेस्टर 2 शुरू हो रहा है और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप फीस अपनी खुद निकाल सकते हो और सारे टॉपिक की कैसे पे करनी है और कोई कोर्सेज के रिलेटेड, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को देखते रहें, जुड़े रहें इसके साथ और लाइक शेयर कमेंट और सपोर्ट ज़रूर करें. आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी चाहिए, तभी हम नई नई चीज़ें लाएंगे, तभी हम एफर्ट्स कर सकते हैं आपके लिए. मेक श्योर आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी लाइक करें. इस वीडियो को भी लाइक कर देना और शेयर कर देना उसके साथ जो आ रहा है USQ में किसी भी कैंपस में. तो गाइस बात करते हैं, हम शुरू करेंगे सबसे जहाँ से स्टार्टिंग होती है USQ की, मतलब जो स्टार्टिंग वाला कैंपस है वो है स्प्रिंगफील्ड का. तो स्प्रिंगफील्ड का गाइस कैंपस हम बोल सकते हैं कि सेकंड मेन, मतलब कि सेकंड लेवल का कैंपस कह सकते हैं हम उसको. जो मेन कैंपस है वो तो टोवुम्बा है, वो रीजनल प्रॉपर रीजनल यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो. और दूसरा हमारा है स्प्रिंगफील्ड का और तीसरे नंबर पे इप्सविच का आता है. बट अगर हम इधर से अगर ब्रिस्बेन से जाएँ तो ऐसे चलता है कि पहले स्प्रिंगफील्ड आता है, फिर उसके बाद इप्सविच आता है और फिर आता है टोवुम्बा कैंपस. तो अब क्या जो बेसिकली मेन है कि अगर एक बच्चे ने जाना हो ब्रिस्बेन से टोवुम्बा USQ यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न क्वींसलैंड में, तो वो कैसे अप्रोच कर सकता है, तो हम उसके बारे में आपको आज बताएंगे. ऐसा है कि USQ की जो है वो चलती है शटल. शटल का मतलब ये है कि एक मिनट हम सर्च कर लेते हैं USQ इंटर शटल. आप ऐसे सर्च कर सकते हो USQ इंटर शटल बस सर्विस. तो ये आपको आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है जो कि मैं आपको बताऊंगा. बट पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये तो चलो शटल में आप कहां पहुंचोगे वो तो दूर की बात है, हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं. जैसे कि अब जब आप ब्रिस्बेन से चले, आप अगर ब्रिस्बेन में नॉर्थ में रहते हो, साउथ में रहते हो या वेस्ट में, कहीं पे भी रहते हो ब्रिस्बेन में, अगर सेंट्रल में भी रहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेनी पड़ेगी ट्रेन या बस. अगर आप नॉर्थ से रहते हो या साउथ में रहते हो तो आप, अगर आप बस आपके लिए कन्वीनियंट है तो बस ले लो, अगर ट्रेन है तो ट्रेन, तो वो ले कर आपको पहुँचना पड़ेगा जो हमारा मेन है रोमा स्ट्रीट स्टेशन. और हाँ, रोमा स्ट्रीट स्टेशन से चेंज होती, मैं रहता हूँ, मैं अपना खुद का केस बताता हूँ, मैं रहता हूँ साउथ में, तो मेरा है सनी बैंक, तो मेरे को यहाँ से बस लेनी पड़ती है जो मेरे को उतारती है साउथ बैंक स्टेशन पे. साउथ बैंक स्टेशन पे मैं ट्रेन लेता हूँ जो मेरे को उतारती है स्प्रिंग वहाँ पे रोमा स्ट्रीट स्टेशन पे. मैं चेंज करता हूँ दूसरी ट्रेन और वहाँ से मैं लेता हूँ सीधा स्प्रिंगफील्ड की ट्रेन. स्प्रिंगफील्ड जो है एक अकेला स्प्रिंगफील्ड है, एक है स्प्रिंगफील्ड सेंट्रल. हम उतरते हैं स्प्रिंगफील्ड सेंट्रल में, तो वहाँ पे जब हम उतर जाते हैं तो वहाँ से 10 मिनट की वॉक है जो कि सीधा आपको प्लाज़ा के अंदर से लेके स्प्रिंगफील्ड जो मॉल है प्लाज़ा आई थिंक सो, उसके अंदर से लेके आपको सीधा ले जाती है यूनिवर्सिटी की पार्किंग में. यूनिवर्सिटी में ले जाती है, मतलब उसकी पार्किंग है बी ब्लॉक की, वहाँ से बस चलती है आई थिंक बी ब्लॉक में. हाँ, बी ब्लॉक की पार्किंग में से यूनिवर्सिटी की शटल चलती है जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है. जो भी बच्चा है अगर वो यहाँ पे रह रहा है तो उसको टोवुम्बा
पहुंचना बहुत इजी है। तो गाइस जो टाइम है वो बिल्कुल सेम लगता है अगर उस बस से चल जाओ, अगर आप प्राइवेट बस से चल जाओ। बस ये है कि प्राइवेट बस में पैसे लगेंगे, इसमें कोई पैसा नहीं है। आप जितनी बार मर्जी जाओ, जितने दिन मर्जी जाओ, बस आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा। और अब आपको बता देते हैं कि शटल की टाइमिंग क्या है, फिर उसके बाद थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शटल आप कैसे ले सकते हो और क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो पहली बात टाइमिंग ये है कि आपको टाइमिंग डिसाइड करने पे, तीन टाइम पे चलती है शटल, चार टाइम पे चलती है स्प्रिंगफील्ड से भी, और चार टाइम में चलती है टोयम्बा से भी वापसी के लिए। अगर आप टोयम्बा से कोई इधर आना चाहता है तो उसके लिए भी ये इजी है। तो जो शटल है उसके टाइमिंग है, एक चलती है सुबह 6:45 पर मॉर्निंग में, और दूसरी चलती है फिर 10 पूरे, फिर चलती है 1:15, फिर चलती है 4:15 तक पर। ये चलती है टोयम्बा से भी सेम टाइम में चलती है और स्प्रिंगफील्ड से भी सेम टाइम में चलती है। मतलब कि अगर 6:45 से टोयम्बा में चली तो 6:45 से स्प्रिंगफील्ड से भी चलेगी, मतलब एक इधर को जाती है और दूसरी उधर को आती है। तो ये मतलब कि मेरे हिसाब से जो इस यूनिवर्सिटी की सबसे बेस्ट सर्विस है, जो मैं मानूंगा कि हर बच्चे को ये बहुत ईजी हो जाता है कि आप उधर से इधर आ सकते हो और इधर से उधर जाते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने अपना पिछला सारा सेमेस्टर ऐसे ही निकाला है और अगला सेमेस्टर भी मैं ऐसे ही जाऊंगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काम मिल जाता है आपको इजीली एज़ कम्पेयर टू टोयम्बा। तो ये आपके लिए बेस्ट सर्विस है। तो एक चीज़ अब हम बस को कैसे असेस कर सकते हैं, आपको क्या करना है, स्प्रिंगफील्ड कैंपस में आप पहुंच गए, अब आपको सीधा सीधा चलना है, कोई भी टर्न नहीं लेना। जब आप प्लाजे के अंदर से निकलोगे, जब आप स्टेशन पे पहुंच गए, स्टेशन से आपने सीधा जाना है, कोई टर्न नहीं लेना, सीधा जाते रहना। मैप लगा लेना, मैप में आपको बहुत ईजीली पता चल जाएगा कि कहाँ पर पहुँचना है। बी ब्लॉक में पहुँचना है आपने, और बी ब्लॉक के जो पार्किंग है वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, बच्चे खड़े होते हैं और वहाँ पर बस आ जाती है। बस येलो कलर की है, मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में दिखाई हुई है, और आप अगर पीछे जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और बस में आपने क्या करना, जब आप एंटर करोगे तो वो आपसे आईडी कार्ड मांगेगा। अगर आप नए हो, पहले दिन जा रहे हो, आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, तो आपको क्या दिखाना है, COE, अपनी COE ज़रूर लेके जाना साथ, वो आप दिखा देना उसको और आपको वो अंदर एंट्री दे देंगे बस में। और बस बैठो आप बस में, बस रुकती है 4, पहले जो अगर आप स्प्रिंगफील्ड से बैठे हो तो वो पहुँचे इप्सविच रुकेगी 7:15 पर 6:45 वाली, फिर उसके बाद प्लेन लैंड पर पहुँचेगी 7:45 पर, फिर टोयम्बा पहुँच जाएगी 8:45 पर। अगर आपने कहीं इन बिटवीन उतरना तो आप उतर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट जहाँ पे भी आपका स्टॉप आप जा सकते हो। तो ये सारी आपके मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे असेस कर सकते हो। मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मेरे को कि हम ब्रिस्बेन से टोयम्बा कैसे जाएं और क्या सबसे ईजीएस्ट वे है कि हम असेस कर सकते हैं, तो ये है ईजीएस्ट वे। और आप टाइमिंग निकलो 6:45 पर, अगर चलेगी तो 8:45 पर एग्जैक्ट पहुंचा देगी, ना ऊपर ना नीचे, तो 2 लगेंगे। अगर आप खुद से जाते हो तो 1.5 आवर लगता है, अगर आप कार से जाते हो ड्राइव करके 1.5 और 1 आवर इतने लग ही जाता है। मतलब आप पूरा अगर एस्टिमेट लगाओ उसमें आपका गाइस पेट्रोल लगेगा, और अगर आप कोई और बस लेके जाते हो तो आई थिंक $36 की टिकट है एक साइड की, तो आप एस्टिमेट लगा ही सकते हो कि कितने पैसे लग जाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन यही है, तो आप मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इससे ही जाओ। और ये चलती है मंडे टू फ्राइडे, और यूनिवर्सिटी भी मंडे टू फ्राइडे ही होती है। तो होप आपको थोड़ी नॉलेज मिली हो कि आप कैसे जा सकते हैं टोयम्बा से, ब्रिस्बेन से टोयम्बा, या टोयम्बा से ब्रिस्बेन कैसे आ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप, हाँ ऐसा है कि अगर आप इप्सविच में भी रहना पसंद करते हो तो इप्सविच में भी काम मिल सकता है, मिल ही जाता है, मेरा फ्रेंड रहता है और वो कर रहा है काम, अच्छी अर्निंग है उसकी। बाकी ऊबर ईट्स तो है ही है। स्प्रिंगफील्ड में रह सकते हो, स्प्रिंगफील्ड से तो बस भी आपको इजी मिल जाएगी, और उधर से सिटी भी असेस करनी अच्छी है। मतलब अगर आप कर अगर आप चाहते हो कि आप इन बिटवीन इधर करो तो, और सिटी से ब्रिस्बेन से स्प्रिंगफील्ड पहुंचने के लिए आपको 1 आवर और सम 30 लग सकते हैं आई थिंक सो। मेरे घर से मेरे को 2 लगते थे, क्योंकि बस का टाइमिंग बीच में वेटिंग ये वो सब मिला के, तो 2 मतलब घर से और 2 के 4 एक दिन के एक साइड के हो गए, 8 हो गए। मतलब आपका एक पूरा दिन लग जाएगा अगर आप यूनिवर्सिटी पर जाओगे तो, आप उस दिन काम नहीं कर सकते। पर गाइज़ ये है कि अगर आपकी 2 या 3 दिन आप अगर आपकी यूनिवर्सिटी आती है तो आपके पास ब्रिस्बेन में रहकर बाकी 2 और 2 पड़े, 4 आप अच्छे से काम करके मतलब पैसे कमा सकते हो, 20 अपने पूरे कर सकते हो। तो ये आपको मैंने एडवाइस दूंगा कि अगर आप यहाँ पे मतलब आपके लिए अच्छा है, आप कर सकते हो मैनेज, तो
आप यहाँ पे रह लो ब्रिस्बेन में, नहीं तो स्प्रिंगफील्ड में रह लो, नहीं तो इप्सविच में रह लो, ऑप्शंस हैं। तो होप आपको गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेक श्योर आप लाइक करने भी मत जाइएगा, और मेक श्योर कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कोई क्वेरी है, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। हाँ मेरे को पता है मैं रिप्लाई नहीं कर रहा, बट मैं इस वीकेंड पक्का 100% श्योर सबके रिप्लाई कर दूँगा, वीडियो बना के करूँगा, और मेक श्योर आप देखना मत भूलिएगा उसे भी और इसको भी लाइक कर दे। और एक और वीडियो मैंने पहले डाली है, थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे हम, तो उसको भी देखना, क्योंकि यू नो थोड़ी लाइफ आपको पता चलनी चाहिए कि कैसी है और कैसे स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले गाइस कीप गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बी सेफ। और एक एडवाइस और देता हूँ, छाता जरूर लेके आना, बारिशें बहुत पड़ रही हैं अब। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब ले गुड बाय, एक्सप्लोरर्स, बाय बाय।